I invite Professor Chaman Lal to speak on the appropriation of Bhagat Singh. Chairman of the session, Professor Mohan Rao, Dr. Prakash Ambedkar, Dr. Ashok Dhavale, and friends. I understand there are a lot of young students who have wished to listen about Bhagat Singh in Hindi. So, I will speak in Hindi, and in English, a little bit in English. Friends, अभी हमारा एक शाब्दिक खो छीन के ले गए, अब जब हम मित्रों कह के बात करते हैं तो सब हंसने लगते हैं। मित्रों सब छीन गया, इसलिए अपने पुराने जो ज़्यादा खूबसूरत शब्द है दोस्तों पे वापस आते हैं। वो हम पुराने तरीके के लोग कामरेडों और दोस्तों या दोस्तों और कामरेडों कह के बात करते हैं, तो मित्रों हम कहते भी नहीं थे लेकिन बीच में कहने लगे थे, तो इसलिए आप अपना मित्र वापस लीजिए, हमारा दोस्त हमें दे दीजिए, हमें अपना दोस्त सर। तो एक चीज, भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो किसी भी तरीके से, मैंने बाकी सब वो गांधी का कुछ पकड़ लेंगे, नेहरू को तो खैर बहुत गाली देते हैं, नेहरू को तो वो बहुत चुपता है, नेहरू को तो नहीं पकड़ते, पटेल को पकड़ लेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सुभाष को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भगत सिंह को तो वो जलता हुआ कोला, इनके हाथ में लगता है उनका हाथ जलने लगता है, लेकिन फिर भी ये भगत सिंह को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? मैंने बड़ी हैरानी की बात है, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। अभी ये मैं कन्हैया और रोहित के संदर्भ में बताता हूँ। आप 1930-31 के हिंदुस्तान के अखबारों में चले जाइए, तमाम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमाम अखबारों में जितनी बड़ी बड़ी खबरें फ्रंट पेज पे भगत सिंह की लगती थी। ये बड़ा दिलचस्प एक वाक्य हुआ है कि आज़ाद हिंदुस्तान में उतनी बड़ी बड़ी खबरें कन्हैया की लगने लगी। हिंदुस्तान की यूथ लीडरशिप में, ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया और पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में, ये दो एक आइकॉन। लेकिन दिलचस्प बात यह कि मैं सांबाजी को उस समय बोल रहा था, सांबाजी भगत ने और शीतल साठे आज भी शायद शाम को गाएंगी, एक बड़ा सुंदर गाना गाते हैं, आपके महाराष्ट्र में तो बहुत ही चलता है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, तो बहुत कुछ कहते हैं भगत सिंह की जिंदा है खेतों में खलिहानों में। तो हमने अपने फेसबुक पे डाल दिया, हमने कहा हम सांबाजी के थोड़े लफ्ज चेंज करके इसको लिखते हैं, अः भगत सिंह तू जिंदा है कन्हैया में शैला में। तो मैंने कन्हैया ने जो किया वो भगत सिंह वाला काम ही किया, और उसकी एब्सेंस में शैला जो वाइस प्रेसिडेंट थी उसने भी वही काम किया। फिर हमने उसमें ये भी जोड़ दिया, अः भगत सिंह तू जिंदा है कन्हैया की आज़ादी के नारों में। तो जो आज़ादी का नारा कन्हैया लगाता है तो भगत सिंह के ही सारे नारे लगाता है, वो भुखमरी का लगाता है या मनुवाद का लगाता है या जो भी जातिवाद का लगाता है, तो वो तो भगत सिंह की ही स्पिरिट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने कहा कि भगत सिंह तो जिंदा है खेतों में खलिहानों में JNU की लड़ाई के मैदानों में। तो JNU में सब जो लड़ाई हो रही है वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई, ये आप समझ लीजिए, आप नॉर्दर्न के लोग हैं, आप समझ लीजिए, जो भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था वो आज का नौजवान, वो कन्हैया के नेतृत्व में JNU के एक छोटी सी जगह से वो हिंदुस्तान की एक बड़ी लड़ाई, यानी ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज भगत सिंह जो है ना, वो कौन अप्रिप्रेट कर सकता है, वो कन्हैया कर सकता है, और कौन कर सकता है जिसके अंदर हिंदुस्तान के लिए दर्द, हिंदुस्तान के लोगों के लिए दर्द। मतलब हिंदुस्तान कोई खाली दीवारें तो नहीं है ना, जमीन तो नहीं है ना, जमीन दीवारें तो सब जगह होती है, कहाँ नहीं होती में जमीन दीवारें, लेकिन प्यार मुल्क से क्या होता है, प्यार तो मुल्क की जनता से होता है। तो संस्कृति संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर नेशनलिज्म, कल्चर नेशनलिज्म का मतलब क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका कल्चर क्या है, ये आपके लोगों का कल्चर है या आसमान से उठा के फेंका हुआ कल्चर है?
आपके कल्चर में आदिवासी नहीं है क्या? आपका होक कल्चर की कितनी खूबसूरती है, वो आपका कल्चर नहीं है क्या? आपको एक खास किस्म का हिंदुत्ववाद लगता है, वो आपका कल्चर लगता है, जिसमें कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हिंदुत्व में क्या कल्चर, कल्चर तो आपका आदिवासियों में है। जब देखिए कि आदिवासी क्या क्या सुंदर चीज़ें जब क्रिएट करते हैं, कहाँ है कल्चर? तो दोस्तों मैंने अब मैं आप लोगों को देख के चीज़ें मैं खुद अपना गड़बड़ हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको मिला जुला ही बोलूँगा। भगत सिंह से सवाल किया ब्रिटिश कोर्ट ने 6 जून 1929 का, उसका बड़ा शानदार हिस्टोरिक बयान, जैसा बयान फिडेल कास्ट्रो का है हिस्ट्री विल एब्जॉर्ब मी, वैसा ही बयान दुनिया भर के पोलिटिकल हिस्ट्री में भगत सिंह का 6 जून 1929 का सेशन कोर्ट का स्टेटमेंट। उसमें जज ने उससे पूछा, यार तुम बड़ा इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद करते हो, कोर्ट में आके मेरा सिर खा जाते हो। कोर्ट में आप जानते हैं अभी कन्हैया को पीटा ना कोर्ट में, वो काले कोर्ट वाले गुंडों ने, तो काले कोर्ट वाले गुंडों ने पुलिस वालों के साथ मिल के कन्हैया को पीटा, भगत सिंह को पीटा, दो बार पीटा, भयंकर रूप से पीटा था। एक बार 21 अक्टूबर 1929 को पीटा था, दूसरी बार 12 मई 1930 को पिटा था। 21 अक्टूबर 1929 को जब पिटा था छोटी कोर्ट में, 12 मई को तो वो ट्रिब्यूनल में पिटा था, एक ही बात से पिटते थे वो। कन्हैया ने तो अभी कोर्ट में नारे भी नहीं लगाए थे कि भगत सिंह और ये क्या करते थे कोर्ट में जाके, जो गाने वो 9 फरवरी को गाए ना JNU के लड़कों ने, मैंने अशफाकुल्ला के गाने और सरफरोशी की तमन्ना, अब पूरी किसी ने 1.5 घंटे की तो वो वीडियो कोई दिखाता नहीं, और 6 मिनट की वीडियो दिखाते हैं, और 6 मिनट की वीडियो में भी 1 मिनट के 2 कहीं से घुसाए हुए जो फेक नारे हैं वो दिखा रहे हैं JNU के स्टूडेंट के नाम पे लगा के। लेकिन पूरी वीडियो में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि उसमें उन्होंने गाने गाए थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वो गाने 9 फरवरी को गाए थे जिस वीडियो में। तो ये भगत सिंह वगैरह क्या करते थे कोर्ट में जाके, यही करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में गाने गाते थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गाने गाते थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के गाने गाते थे, नारे लगाते थे। तो ये नारे लगाने से तंग आके एक बार किसी जज ने नहीं कहा था, वो जो पुलिस वाले ही थे, वो विजय कुमार सिन्हा ने अपने मेमोयर में लिखा, बड़ा शानदार मेमोयर है वो, जिसमें लिखा कि 8 हट्टे कट्टे पठान भगत सिंह के टूट पड़े, मार मार के दुम्बा निकाल दिया उसका। लेकिन खाली भगत सिंह तो तगड़ा था, ताकतवर था, चंद्रशेखर आजाद भी तगड़े थे, शरीर से तगड़े थे, लेकिन बीच में शिव वर्मा भी थे, विजय कुमार सिन्हा भी थे, अजय कुमार घोष भी थे, जो बेचारे पतले दुबले बंगाली, उनमें दो लोग बेहोश हो गए, दोनों जब बेहोश हो गए तो भगत सिंह ने कहा जज से कि देखो मैंने खुद पिटा हुआ, बुरी तरह से पिटा हुआ, मार खाया हुआ, बोलता देखो मेरे दोस्तों को अगर कुछ हो गया ना तुम्हारे पुलिस के पिटने से जो बेहोश हुआ तो तुम फिर देखना तुम्हारा क्या हो। तो मैंने कन्हैया ने तो बेचारे में उतना भी नहीं किया, उसको काले कोट वाले गुंडे और वो जज जो हैं, कम से कम ब्रिटिश कोर्ट में जब ट्रिब्यूनल में 12 मई 1930 को पिटा था भगत सिंह, 12 मई 1930 को, तो वहाँ पे एक जो इंडियन जज बैठे थे सर हैदर था, बाद में उनको निकाला गया उससे, तो उनके सामने जब पिटाई शुरू हुई तो ही वाज सो डिस्टर्ब, कुछ कर नहीं सकते थे, अंग्रेज चेयरमैन था ट्रिब्यूनल का, तो उन्होंने अखबार उठाया और अपने आंखें मैंने मुंह ढक लिया, एक तरीके से अपनी शर्म का इजहार या कहना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट का इजहार उस जज ने सर हैदर ने वो किया। बाद में चूंकि भगत सिंह वगैरह इस बात के लिए लड़ रहे थे कि ये जो ट्रिब्यूनल है मैंने जिसमें हमारी पिटाई हुई है इसको इसके चेयरमैन को हटाया जाए, तो अंग्रेजों ने बदमाशी करके उसी ट्रिब्यूनल के दूसरे जज को जो उसी में शामिल था उसको तो बना दिया चेयरमैन, और चेयरमैन को तो हटाया, लेकिन वो भारतीय जज जो उनका हमदर्द था उसको भी हटाया, एक अब्दुल कादिर नाम का एक दूसरा भारतीय जज लगाया जो आखिर में उनकी फांसी की सजा का मैंने उसमें शामिल हुआ। तो मैंने ये चीज़ें उनसे पूछा गया, यार तुम इंकलाब जिंदाबाद बहुत करते हो, इसका मतलब तो बताओ क्या है। अब देखिए इतिहास दोहराया गया, कन्हैया से क्या पूछा गया, वो पुलिस ने पूछा, वो कोर्ट ने नहीं पूछा, वो पुलिस ने पूछा
तुम आजादी आजादी चिल्लाते हो तो आजादी का मतलब बताओ क्या है। एक नैयर ने खुद अपनी इंटरव्यू में बताया कि मुझसे क्या क्या पूछा, पूरा अखबारों में आया कि क्या क्या पूछा, आजादी का मतलब क्या। तो आजादी का मतलब जो कन्हैया ने 11 फरवरी को अपनी पहली स्मृति में गिरफ्तारी से पहले बताया था, भुखमरी से आजादी, मनुवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, मोदीवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, ये सब को बोला था उसने। तो वही उसने पुलिस वालों को बताया और वही पुलिस वालों को बताया जितना उनको बदनाम किया गया आजादी आजादी के नारों के ऊपर। अभी जब वो जेल से छूट गया है, आपने सबने मेरे ख्याल में टीवी पे बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा है, तो वो आखिर में 5 मिनट टीवी गूंजता ही रहे आजादी आजादी से। तो आजादी उनके मत्थे फिर मारी। तो टेलीग्राम में तो बड़ी जो है फ्रंट पेज की बैनर हट रही है जो वो आजादी लगा के गया। और कई लोगों ने इतने सुंदर सुंदर उच्च गीत पे भगत सिंह कन्हैया ने कैसे आजादी का गीत लिखा, तो मैंने भगत सिंह ने इनकलाब का गीत लिखा तो उसी परंपरा में कन्हैया ने आगे चल के आजादी का गीत रच दिया। तो भगत सिंह ने बताया अदालत को कि देखो हमारा इनकलाब से मतलब क्या। दो बार उसने बताया, एक बार वो रामानंद चटर्जी थे, वो मॉडर्न न्यूज अखबार निकालते थे, उन्होंने मजाक उड़ाया उनके नारे का कि ये क्या जाके नारे लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। तो उन्होंने उसको लेटर भी लिखा जो ट्रिब्यून में छपा था और अदालत को भी बताया। तो उन्होंने कहा जनाब इनकलाब से हमारा मतलब ये नहीं है कि कोई सैंग्विन स्ट्राइक नहीं है, ये कोई वायलेंस नहीं है, ये नहीं कि हम कि तलवार उठा के घूम रहे हैं और लोगों के सर काटते फिरते हैं जो ऐसा ऐसा करते हैं। इनकलाब से मतलब है एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी के शोषण की व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करना, माने टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। तो जो पूंजीवाद के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके खिलाफ जो हम इनकलाब कहते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वी वांट टू चेंज द सिस्टम। और ये चीज उसने रामानंद चटर्जी को भी खत में लिख के बताई भगत सिंह और दत्त ने कि तुम लोग ये मजाक उड़ाते हो ना, तो इनकलाब के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। वो कहते हैं इनकलाब तो हर एक में होना होता है, माने लाइफ डजंट चेंज देन लाइफ विल गेट डिस्ट्रॉयड, लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर चेंज नहीं। तो इनकलाब का मतलब इट्स ए चेंज, कंटीन्यूअस चेंज, तो यू हैव टू चेंज अनलेस यू चेंज द सोसाइटी कैन नॉट रन। तो उसमें मैंने ये चीज जो है मैं जो कह रहा था कि ये कैसे इन्होंने भगत सिंह को पकड़ने की कोशिश की। आप 30-31 के अखबार पढ़िए, मैंने भगत सिंह लोग सोचते हैं बहुत साल तक सोचते रहे हैं, अब भी कुछ लोग यही पकड़ने सोचते हैं, अरे वो बड़ा वीर बहादुर था, बड़ा इतना ब्रेव फियरलेस, डरता नहीं था किसी, वो सब तो था लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, जो कुछ और था उसको ढक लिया, उसको 40 साल तक बावजूद इसके के ये वायमेंट एथिस्ट लेख 27 सितंबर 1931 को पीपल अखबार में छपा था। 27 सितंबर 1931 आप सोचिए कि उसकी शहादत के 6 महीने के अंदर, उसके बाद उसका पहला जन्मदिन था 28 सितंबर उसका जन्मदिन है, तो 27 सितंबर को पीपल ने छापा। उसी वक्त उसके सारे लेख लेटर टू यंग पोलिटिकल वर्कर्स, हरिकृष्ण के मुकदमे के बारे में तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें उसके जिंदा रहते चले। आप उस वक्त अखबार पढ़ के देखिए तो लोग देखते नहीं है, मैंने उस वक्त आप अखबारों में देखिए भगत सिंह को लिखा गया रेड लिखा जाता था उसमें सारे अखबारों में, और उसकी पूरी कहते थे कि ये सोवियत यूनियन को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। अंग्रेज उससे डरते इसलिए ज़्यादा थे कि ये तो लेनिन की बात करता है, ये तो पूंजीवाद खत्म करने की बात करता है, इसलिए अंग्रेज जिद थे कि इसको तो हम खत्म करेंगे ही करेंगे। और उस वक्त के अखबार सब इसको था। मैं हैरान हूँ कि इस रेड आदमी को, इस कम्युनिस्ट आदमी को ये बीजेपी वालों ने पकड़ने की हिम्मत कैसे कर ली, और हिम्मत कैसे करी इन्होंने, मैंने हिम्मत करी झूठ बोल। वो उनका आप जानते हैं कि तो गोयबल्स का भारतीय अवतार है, तो गोयबल्स के भारतीय अवतार होने से इनको एक ही चीज़ आती है कि झूठ एक को 100 बार बोलो 1000 बार बोलो, गोयबल तो 100 बार को कहता था, ये 100 की बजाय 1000 बार बोलते हैं, 1000 बार झूठ बोल के फिर कहते हैं। इन्होंने एक झूठ फैलाया कि बाबा साहब देवरस से मिलने गया था भगत सिंह, तो हमने कहा कहीं इतिहास में रिकॉर्ड था तो कहीं नहीं दिखा सकते। भगत सिंह के बारे में बोलना, मैंने भगत सिंह 1929 से 1931 तक जेल में रहा, आप मैं सबसे कहूँगा जर्नलिज्म वाले लोगों से भी कहूँगा आपके बॉम्बे के अखबार पढ़ने पड़ेंगे, आप उस वक्त के अखबार फैन देख फ्री प्रेस जर्नल आप देख लीजिए बॉम्बे का,
और उस वक्त क्या क्या भर से मराठी के अखबार देख लीजिए, बंगाली के देख लीजिए, हिंदी के देख लीजिए, किसी जुबान के देख लीजिए, किस तरीके से 1929 और 31 के बीच पेज दर पेज भरे हुए हैं अखबारों में, पूरे मुकदमे की कार्रवाई एक एक डायलॉग चलता था, आज अदालत में ये हुआ, आज अदालत में ये हुआ, आज अदालत में ये हुआ। मैंने उस जो आदमी उसी वक्त से एक नॉन मार्क्सिस्ट था, नॉन रेड माना जाता था, उसको किया क्या कांग्रेस वालों ने विमर्श, क्योंकि उसके पिताजी कांग्रेस के सदस्य थे भगत सिंह के। नौजवान भारत सभा ने उस वक्त कहा कि हम लोग भगत सिंह का स्मारक बनाएंगे रावी तट पे लाहौर में, और फंड इकट्ठा होना शुरू किया। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, सुशीला घोष अरे घोष की बहन थी, जिनका एक अपील जारी हुई है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के स्मारक के लिए फंड दीजिए। तो इनको कांग्रेस वालों को बहुत खतरा हो गया कि मैंने ये लोग अगर इस तरीके से स्मारक बनाने लगे तो जो कांग्रेस की मूवमेंट है उसके ब्रक्कस पैरेलल जो है एक बड़ी मूवमेंट आइकॉन बनेगा। इसलिए किशन सिंह से कहा उनके पिता से कि आप नौजवानों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, नौजवान भारत सभा ने ये इनिशिएटिव लिया था, ये तो हमारा काम हम करेंगे भाई, हम तो राष्ट्रवादी, सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो हम, इसलिए राष्ट्रीय मूवमेंट तो हम लड़ रहे हैं, तो भगत सिंह का स्मारक हम बनाए। उसके बाद से गांधी जी से पता नहीं कितनी बार कई लोगों ने, मेहतानंद किशोर जो गदर पार्टी में बाबा सोहन सिंह भकना वगैरह के साथ नंबर एक के मुलजिम थे जो बड़े हो गए थे, उन्होंने पूछा गांधी जी से अरे भाई हमारे भगत सिंह का स्मारक क्यों नहीं बना रहे, तो गांधी जी ने कहा भूल जाओ, हम भगत सिंह का स्मारक नहीं बनाने जा रहे। तो ये चीज़ें जो है अब उन्होंने ये करके कि भगत सिंह को अब लोकप्रिय हो गया। लोकप्रियता की मैं आपको बताऊँ, 3-4 साल पहले सब लोगों ने अगर देखा होगा, हिंदू बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठा है उसकी, उसने एक सर्वे छापा कि हिंदुस्तान की पूरी नेशनल मूवमेंट में आम कॉमन लोगों से कौन सबसे बड़े आइकॉन है। तो आप जानते हैं 5वें नंबर पे दो लोग ग्रुप हुए थे, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि यही दो लोग अब सोशल मूवमेंट में रोहित और कन्हैया, 64% लोगों ने कहा कि अम्बेडकर और भगत सिंह ये हमारे देश के सबसे बड़े आइकॉन, ये हिंदू का सर्वे था आपके पास। उसके बाद से इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया तो उसमें ये सर्वे, उसमें थोड़ा सोशल मीडिया भी काम करता है, थोड़े गलत भी होते हैं, लेकिन एग्जैजरेशन को छोड़ दीजिए, तो उसमें भगत सिंह को एक नंबर पे निकाल दिया उसने कि 37% लोगों ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रनायक जो है वो भगत सिंह है। ये इंडिया टुडे ने, ये 2-3 साल पहले की बात। उसमें गांधी नेहरू सब पीछे छूट गए, गांधी नेहरू इंदिरा गांधी सब पीछे छूट गए। तो मैंने ये चीज़ें, ये है कि इनको लगता है, फिर 2007 में क्या हुआ, ये पकड़ते किसी ने, 2007 में जब भगत सिंह की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी और पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे थे, और मैं आपको बॉम्बे वालों को इस बात की दाद देता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें डॉक्टर जोस जॉर्ज ने 3 दिन का नेशनल सेमिनार भगत सिंह पर पहली बार बॉम्बे में दिया। उसके बाद से बहुत सारी यूनिवर्सिटी की सेमिनार हुए, कहीं 1 दिन का, कहीं हुआ, कहीं 2 दिन का हुआ, 3 दिन का कहीं नहीं। और आपकी वो किताब जो है बहुत अच्छी छापी भी है बाद में यूनिवर्सिटी ने, उसको इनॉग्रेट प्रकाश करत ने किया था, उसमें विक्ट्री एड्रेस उस वक्त मेरा था। तो उसमें मैंने एक तरीके से ये सारे लोग कुछ निकाल रहे थे, तो 5 जन ने कहा, एक भगत सिंह अंक निकला, मेरे पास है आपके महाराष्ट्र से मराठी में भगत सिंह के बहुत अंक निकले हैं, श्रद्धालु जानते हैं कि कितने अंक निकले हैं उसमें। मैंने कोशिश किया कि हिंदुस्तान भर के जहाँ भी कुछ मिलता है मैं इकट्ठा करके रखूँ उसको। तो उसमें 5 जन के जो लेख थे उसमें मेरे ऊपर हमला किया गया, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा के ऊपर हमला किया गया, ये सब कह के कि देखो ये भगत सिंह को बिगाड़ रहे हैं, भगत सिंह क्या था उसका क्या बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो ये नास्तिक वाला लेख तो भगत सिंह का है ही नहीं, वाया मैंने इट इज नॉट भगत सिंह राइटिंग, ये तो इन लोगों ने, लेफ्टिस्टों ने बाद में इंटरपोलेट किया, जबरदस्ती उसमें घुसा दिया। तो हमने कहा इनका जो जवाब है ना, क्योंकि ये तो जुबान से झूठ बोलते हैं, तो हम उनका जवाब जो है दस्तावेजों से देते हैं। हम कहते हैं हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट थिंग यू नो रिबट ऑल काइंड्स ऑफ फॉल्सेस। तो हमने 3 मूर्ति से जाके ये निकाल लिया जो लेख पहली बार छपा था, ये पीपल में छपा था, पीपल लाला लाजपत राय ने निकाला हुआ था, लाला लाजपत राय ने लाहौर से 2 अखबार निकाले थे, उर्दू में उनका छपता था वंदे मातरम और अंग्रेजी में छपता था द पीपल। द पीपल का एडिटर बनाया हुआ था कुमार कृतिक बैठे हैं, मैंने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं, सबके ध्यान में ला रहा हूँ मैं कि वो लाला फिरोज चंद थे। लाला फिरोज चंद बहुत ही एमिनेंट सोशलिस्ट आदमी थे,
लाला लाजपत राय तो सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो है ना, जिस तरह के लोग तो लाला फिरोजन को रिक्त बनाया हुआ था, तो वो पीपल वीकली निकलता था। तो पीपल ने क्या किया, जिस वजह से थोड़ी बाद में भ्रम हुआ, पीपल ने उस वक्त 3 पंक्ति का एक एडिटोरियल नोट दिया। बाद में जितने लोगों ने वायर में नीतीश को छापा, वो 3 पंक्ति का एडिटोरियल नोट नहीं दिया। अगर वो एडिटोरियल नोट दे देते तो ये कहने की हिम्मत भी नहीं होती कि ये डिप्रेशन। वो मैं आपको बताता हूँ 3 पंक्ति का नोट क्या था। तो 3 पंक्ति का नोट ये था कि ये कुछ भगत सिंह के डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, वो बचने के लिए अंग्रेज से उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक नहीं, विच आर नॉट पोलिटिकल, तो ये हम यदा कदा छापते रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आधी लाइन लिख दी थी, द कॉपीराइट ऑफ दिस थिंग लाइज विद सिद्धार्थ कृष्ण सिंह। सिद्धार्थ कृष्ण सिंह भगत सिंह के पिता, तो विच मीन्स के हमें ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना उनकी फैमिली से, विच मीन्स यू कैन नॉट क्वेश्चन द अथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने उनकी अथेंटिसिटी तो हमने अपनी नई किताब में अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह है वो पूरा स्कैन करके डाल दिया कि पढ़ लो भैया ये है। आप कहते हो ना कि किसी ने और ने लिखा है, तो देख लो ये किसका लिखा है। वो हमारे अंदर भी कई बार ये भ्रम फैलते हैं। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और गए, एक वेबसाइट बड़ी मशहूर वेबसाइट है, उस पर उन लोगों ने ये लेख दिया हुआ है, लेकिन उसमें लिख रखा है कि ये गुरुमुखी से ट्रांसलेट है, ओरिजिनल इंग्लिश डॉक्यूमेंट। मैंने उनको कई बार लिखा कि भैया ये ओरिजिनल इंग्लिश डॉक्यूमेंट है, अब क्यों इसको रिपीट किया जा रहा है, और हो सकता है कि उसमें जो ओरिजिनल इंग्लिश में और आप जिसको ट्रांसलेशन कहते हो उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। इस लेख देखिए अप्रोप्रिएट कैसे होती चाहिए, भगत सिंह सो जिसने अप्रोप्रिएट किया सबसे पहले, सबसे जस्टिफाइबल, सबसे खूबसूरत तरीके से, आप जानते हो कौन सा दिन थे, वो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने 29 मार्च 1931 मेरे ख्याल में पहला एडिटोरियल था जो भगत सिंह के ऊपर लिखा गया था, उड़ैयार में तमिल में लिखा उन्होंने, जो उनका जन्म था। वो 75 साल तक तमिलनाडु के बाहर किसी को पता नहीं चला। 2006 में मैं गया वहाँ पे चेन्नई, और मैं पेरियार ही गया, टिडल पेरियार टिडल उनके दफ्तर में गया, और वहाँ पे मुझे उनमें से किसी ने दिखाया कि ये 1900, मैंने पूछा कोई भगत सिंह के बारे में कुछ लिखा मिलता हो। वहाँ पे मुझे सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि उन्होंने मुझे तमिल में वाई एम नीतीश की ट्रांसलेट की बुक लिखी, वो उसका 25वां एडिशन था जो 2006 में मुझे मिला तमिल में। तो वो पता चला कि वो पी जीवानंदन ने किया था, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पार्ट थे। पेरियार ने पी जीवानंदन से ये वाई.एम. नीतीश का ट्रांसलेशन 1933 में करवाया, 1934 में उसका पहला एडिशन छपा, और जब मैं 2006 में गया था तो उसका 25वां एडिशन था। अब तक शायद उसके 40 एडिशन निकल गए होंगे। तो मैंने कहा कुछ पेरियार ने लिखा भी हो, तो उसमें तो उन्होंने मुझे अपने चीज़ें खोज के उड़ैया आरसू का अंक निकाल के दिखाया 29 मार्च का। मैंने कहा भाई मेरे इसको तो आप अंग्रेजी में कर दीजिए, क्योंकि इसके देश को मालूम ही नहीं है क्या है। मैंने इतना महत्वपूर्ण आपका जो है उड़ैया आरसू एडिटोरियल, तो वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके करवाया। तो रैशनलिस्ट जो उनका मैगजीन है, उनका डीके का ही द्रविड़ कदम का, उनका वो नवंबर अक्टूबर 2006 में छप गया। फिर हमने उसको ये जो किताब है लखपत की छपी हुई भगत सिंह जी ने, इसमें भी शामिल किया। और आपको इसमें और बताएं, भगत सिंह की अप्रोप्रिएशन सिर्फ नेशनल नहीं है, भगत सिंह की अप्रोप्रिएशन इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का न्यूयॉर्क से छपता जर्नल था उसमें भगत सिंह की फांसी की खबर 25 मार्च को छपी इंटरनेशनल, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि भगत सिंह हमारे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन का हिस्सा थे, रेवोल्यूशनरी थे, उनको इस तरीके से अंग्रेजों ने कॉलोनियलिस्ट ने उसको फांसी दी। तो मैंने भगत सिंह को एक तो ये मान लीजिए कि ये मुझे स्लिप पड़ रही है कि थोड़ा मैं ख़त्म करूं, तो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ ये बता दूं कि पेरियार ने सबसे अच्छे तरीके से भगत सिंह को अप्रोप्रिएट किया। इस हद तक लिखा कि इस तरह की मौत मुझे मिलती तो क्या मजा। मैंने और अंग्रेजों से उन्होंने टंस करके कहा कि हर स्टेट में 4-4 ऐसे लोगों को फांसी दे दो ताकि लोग जाग जाएं। मैंने तुमने तो इनको फांसी देकर जगाने का काम किया बिल्कुल, तो दैट इज ए हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट विच एवरी गवर्नमेंट। और दूसरा
भगत सिंह का जो नेशनलिज्म था वो इंटरनेशनलिज्म से अलग नहीं था। भगत सिंह ने अपने राइटिंग में लिखा हुआ है कि व्हाट वी आर यर्निंग फॉर इज वर्ल्ड फेडरेशन। वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड फेडरेशन चाहते हैं, हमें कोई किसी एक मुल्क की सीमाओं का कोई मतलब नहीं। वी आर फाइटिंग फॉर ह्यूमनिज्म, वी आर फाइटिंग फॉर रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल, वी वॉन्ट सोशलिज्म। साफ साफ उनका लिखा हुआ है कि हमें सोशलिज्म चाहिए, हमारी लड़ाई सोशलिज्म की लड़ाई। और भगत सिंह पे डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ मैं सालों साल से खोल रहा था। मैं आपको पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ सुबोध मोरे को, आरबी मोरे के ग्रैंडसन हैं जो महा के आंदोलन के वो थे। तो उन्होंने मुझे जनता का 13 अप्रैल 1931 का डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ जो एडिटोरियल है, तीन बलि तीन शहादत जो है वो करके भेजा। तो हमने उसको मराठी से हिंदी में भी करवा लिया और आनंद तेलतुंबड़े ने उसको अंग्रेजी में भी कर लिया। उसको भी जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। वो इतना सख्त एडिटोरियल नहीं है जितना पेरियर का था। पेरियर ने तो खैर यू नो ग्लोरीफाइड लाइक एनीथिंग, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इतना तो एक्नॉलेज किया ही है कि वो शहीद थे। और अंग्रेजों का जस्टिस सिस्टम बहुत ही जिसको कहना चाहिए घिनौना था, एक तरीके से उनकी बलि दी, मतलब ये नहीं किया कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, उनकी बलि दी है उन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप फिर बातचीत में करें, मैं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन फिर कभी और गप के लिए धन्यवाद। Unfortunately, short on time, so we have we'll take not more than 4 questions. I request Professor J. Mohan Rao to take over the proceedings. Mera Chamanlal just ek sawal hai. Please keep your question brief. Yeah. And if you are addressing the question to one of the speakers, please name the speaker. I am addressing Professor Chamanlal. And I would, when we're talking about appropriation, actually he has talked about one aspect of appropriation, but there's another kind of appropriation that has also been made. And I would just like him to comment on this one thing, that all over India there's a feeling, there's a general acceptance that when Bhagat Singh was being taken to the gallows, he was singing Mera Rang De Basanti Chola in memory of Jauhar and other things. I know it's something in such a audience like this, but this is something that is accepted everywhere in India. I just like you to comment on the falseness of that assumption. We'll take all questions and then... more questions. मेरा question अंबेडकर सर से capital punishment के बारे में। तो मसूद अजहर इंडिया की जेल में 6 साल तक था, उसे छुड़ाने के लिए जैश ए मोहम्मद ने 5 बार अटेम्प्ट्स किए, फिफ्थ अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ, IC-814 हाईजैक की गई, उसके रिटर्न में मसूद अजहर को छोड़ा गया, उसके बाद भी वो नहीं रुका, लास्ट उसने जो अटैक किया उसे पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हुआ जो जैश ए मोहम्मद ने किया ऐसा कहा जाता है। तो जब अफजल गुरु को फांसी देने के लिए 9 साल लग रहे थे, तो कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे थे सामने कि क्या गवर्नमेंट फिर से कोई प्लेन हाईजैक होने की राह देख रही है क्या? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या टेररिज्म से निपटने के लिए आपको नहीं लगता कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है? One question to the gallery. Sir, I have a question to panel. During the Bihar assembly election, there was a event. Kushwaha community is claiming on the Samrat Ashoka and they want to celebrate this anniversary of the Samrat Ashoka. And this issue was raised. In what way you look it? Is it to divide India or appropriate to Samrat Ashoka? Sir, mera. Sorry, the final question. मेरा सवाल प्रोफेसर चमनलाल से है। सर, आपने 3-4 नाम बताए जो कि संघ परिवार, जिन हिस्टोरिकली जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, आपने लाइक पटेल हैं और फिर भगत सिंह हैं, आपने एक और नाम लिया था विवेकानंद का। सर, मैं आपने 2007 का भी जिक्र किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक मेरा पर्सनल मेमोरी है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरा इतिहास APVP का है, मैं संघ की शाखा में भी बैठता था,
वो कॉलेज के दिन थे, फिर मैं टाटा में पढ़ाई किया, थोड़े विचार बदले, मेरी उतनी पढ़ाई नहीं थी मेरे कॉलेज के दिन में, सर 2007 का साल था, आपने बताया 1907 की भगत सिंह की पैदाइश थी, बर्थ सेंटिनरी ईयर था भगत सिंह का 1857 का 150 ईयर्स भी था। मैं ABBP का मेंबर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, मैं शाखाओं में बैठता था जाता था, और जो बात मुझको प्रभावित की थी, मैं कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर हिंदुत्व या मुस्लिम्स के लिए हेट रखने वाला इंसान कभी नहीं था, बट जो चीज़ से मैं ABBP या उससे प्रभावित हुआ था वो था वो बड़े बड़े कटआउट्स जो फिगर्स वो लगाते थे स्वामी विवेकानंद के या भगत सिंह के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिशु मंदिर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर में, अगर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो हिस्टोरिकल फिगर्स जिनकी आइडियोलॉजी वैसी रही ही नहीं है, जो कि संघ परिवार प्रोजेक्ट करता है और जो कि नीचे से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के बताने की कोशिश करता है, उसका कारण मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने भगत सिंह की बात की, वो पूरे रेड थे या कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से थे, और उसके बाद संघ का एक तरीके से उनके इमेज को यूज़ करना, विवेकानंद को मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद का खंडन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे फिगर्स को यूज़ करना, मैं सर थोड़ा डाउट है ये इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि इसके क्या कारण हैं और क्यों इन फिगर्स को इस तरीके से इस्तेमाल। थैंक यू सर। Dr. Dhawale, Dr. Dhawale. We'll take another round of questions. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि पाकिस्तानचे मोहम्मद जिना सावरकरांना ते मानत होते, म्हणजे मित्र होते, मग ते पाकिस्तान का निर्माण हो, आणि स्वातंत्र्य सावरकर यांचा एक विचार होता अखंड हिंदुस्तान व्हावा, मग ते पाकिस्तान का निर्माण झालं, मोहम्मद जिना आणि यांचे चांगले हे होते, म्हणजे सावरकरांना मानत होते असं का हो? जो कुछ सवाल आए हैं कुछ को मैं समझ पाया, कुछ शायद नहीं भी समझ पाया। तो एक तो मेरा रामदेव बसंत थोड़ा वो फांसी के वक्त क्या कर रहे थे, दो नारे तो पक्के लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश। गाने कौन से गा रहे थे? मेरा रामदेव बसंती चोला के कई फॉर्म में थे, मैंने वो मेरा रामदेव बसंती चोला एक फॉर्म नहीं, जैसे मैंने सांभाजी के उसमें कई शब्द मिला दिए अपने से, तो लोगों ने अपने ढंग से उसको हिंदुत्ववादी गाना भी बनाया हुआ है, तो इसलिए वो मेरा रामदेव बसंती चोला गा रहे थे या नहीं गा रहे थे दावे से नहीं कहा जा सकता। सरफरोशी की तो मैंने वो खूब गाते थे, ये पक्का है। तो मैंने वो असल में मनोज कुमार की फिल्मों में जो गाने गाए गए हैं ना, भगत सिंह के बहुत सारे गीत जो है वो फिल्मों के ऊपर गए हैं, असल में जो उनके शायरी उनको पसंद थी वो हमने अपनी किताब में पूरी दे रखी है, उर्दू के जितने शेर उनको पसंद थे वो सारे उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुए, वो इकबाल के शेर थे, गालिब के शेर थे, और ये सब शेर थे जो अपने भाई को अपने खतों में लिखे हैं उन्होंने, तो ऑथेंटिक वो है। और दूसरी बात, और जो सवाल आया था कि संघ वाले, देखिए संघ की समस्या है, संघ के पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो वो दूसरे का उसी को पकड़ेंगे जो कुछ होता हो अपना, तब तो करें ना। अब मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह का ये नाम लेते हैं, आप मुझे गोलवालकर का एक शब्द दिखा दीजिए, कहीं पर देवरस का एक शब्द दिखा दीजिए, उनकी फांसी के बाद जो कहा, सावरकर एक शब्द दिखा दीजिए। आयरनी बताऊं मैं आपको, सावरकर ने 1907 में एक किताब आई थी 1400 के ऊपर, भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, मराठी में आई थी, बाद में अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद हुआ, वो किताब मिलती नहीं थी। वो किताब 1857 की जंग आज़ादी के लेकर इतने प्रभावित थे भगत सिंह वगैरह तमाम लोग, सावरकर वाली किताब जो मिलती नहीं थी, कहीं कहीं तो ये भी मिलता है कि उन्होंने पंजाबी में अनुवाद किया या करवाया, और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि उन्होंने खुद से दोबारा छपवाई। वो मैंने वो सावरकर की उस किताब के लिए इज्जत करते थे,
लेकिन सावरकर साहब ने ना तो अंडेमान जेल में जब बाबा सोन सिंह भकना और भगत सिंह के साथ ही जयदेव कपूर और शिव वर्मा और महावीर सिंह शहीद हुए वहां पे अंडेमान में भूख हड़ताल से, बाबा सोन सिंह भकना के साथ ही शहीद हुए और भूख हड़ताल ज्वाइन करने तक से मना कर देते कि मैं भूख हड़ताल उनके साथ ज्वाइन नहीं करूँ, उनसे बिल्कुल अलग रहते थे। और जो माफीनामे तो आपने सुन ही लिया कि जो उन्होंने किया है, तो मैंने जब उनके पास कुछ था नहीं, पेरियार ने सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दी भगत सिंह को, अगर आप नेशनल मूवमेंट में देखें, अम्बेडकर ने इंटरव्यू लिखा, गांधी ने कुछ कहा, नेहरू ने कुछ कहा, पटेल ने कुछ कहा, मदन मोहन मालवीय ने कुछ कहा, जिन्ना ने इतनी शानदार स्पीच 12 और 14 सितंबर को सेंट्रल असेंबली में दी जब भगत सिंह भूख हड़ताल पे थे और 13 सितंबर को जतिन दास शहीद हो गए थे, तो जिन्ना तक ने जो है उनको एक श्रद्धांजलि दी। अब आप पाकिस्तान में लाहौर में हाईकोर्ट में दोबारा केस रिवाइव हुआ है कि भगत सिंह को पोस्टमार्टम स्लिप उससे बरी किया जाए सैंडर्स के कत्ल से, उसमें जिन्ना को कोट कर रहे हैं और जिन्ना की स्पीच मैंने कल दोबारा पढ़ी, वो इतनी टेक्निकल लीगल स्पीच है, उसमें उसने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रखी हैं कि आप जिस तरीके से इनके ऊपर मुकदमा चला रहे हो, ये मुकदमे के नाम पर शैम है, जिसको बाद में यदि राणा ने अपनी किताब में ट्रायल ऑफ भगत सिंह में फिर उसको साबित किया कि कैसे ये शैम था। तो ये तो इनकी मजबूरी थी। अब विवेकानंद वगैरह सूट करते हैं लेकिन विवेकानंद भी इनको पूरा सूट नहीं करते। विवेकानंद तो कहते हैं नौजवानों से कि प्रार्थना वार्थना छोड़ो, फुटबॉल खेलो, सेहत बनाओ अपनी, मछली खाओ, तो वो तो भीख खाने को भी मना नहीं करते। तो मैंने विवेकानंद भी इनको जितना विकृत रूप विवेकानंद का पेश कर सकते हैं वही सूट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे लोग भी जो है विवेकानंद को कोशिश तो करते हैं इंटरप्रेट करने की। और कोई किसी का सवाल रह गया तो the question that was asked whether terrorism, the answer to terrorism is death penalty. It has to be looked in the other way around. Why don't we blame our own internal security system, that due to the internal security system others are able to penetrate into us and do whatever kind of action that is there and then go back again. Those who are arrested and to free them, the others are also going to make an effort to free them. It is our duty which becomes that we are more vigilant in seeing that no attacks takes place and we are not forced into a situation as the plane hijack situation which took place, that we had to bargain out for the safety of the Indians in place of a terrorist. I think so this is to do with the management of internal security rather than to link it with the death penalty. Two more questions. One more to reply. एक जो सवाल यहाँ पूछा गया था कि सावरकर के बारे में अखंड भारत करके पूछा था मोहम्मद अली जिन्ना और ये सब, देखिए उसमें अंदर ये है कि सावरकर ने शुरुआत का दौर अलग था, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ में कुछ लड़ा की थी, लेकिन अंदमान के उसके अंदर वो जो माफीनामा उन्होंने लिखा उसके बाद में सावरकर पूरी तरह से बदले और वहाँ से जब उनकी रिहाई हो गई उसके बाद में और आज़ादी का के मिलने तक उन्होंने कहीं भी ब्रिटिशों के खिलाफ में एक उंगली भी नहीं उठाई, ये एकदम सच्चाई है ऐतिहासिक। उल्टा उन्होंने जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है, टू नेशन थियरी, ये सावरकर ने हिंदू महासभा के नेता के हैसियत से उन्होंने वो थियरी को रखा, यानी उसका मतलब क्या था कि हिंदू एक राष्ट्र है, मुस्लिम दूसरा राष्ट्र है। और वही थियोरी को मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले अभी चमनलाल जी ने कहा पहले वो कांग्रेस के नेता थे, ये आप सब जानते होंगे मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने मुस्लिम लीग शुरू किया उसके बाद में उन्होंने भी एक तरफ सावरकर का द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत उसी को उन्होंने लिफ्ट किया और वही उन्होंने कहा कि उस सिद्धांत के जरिए हमको पाकिस्तान अलग से राष्ट्र चाहिए। तो दोनों के अंदर जिन्ना का भी टू नेशन थियरी था, सावरकर का भी टू नेशन थियरी था और आरएसएस का भी वही था, तो इसके मुताबिक ही हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और एक बात जरा थोड़ा सा, यहाँ हमारे सभी साथियाँ बैठे इसलिए, सावरकर के उसके बाद में आज़ादी के बाद ये सब आरएसएस हिंदू महासभा, इन्होंने मैंने कहा आज़ादी के संग्राम में कहीं भी उन्होंने शिरकत नहीं की, कभी सहभाग नहीं किया, लेकिन आज़ादी मिलने के 6 महीने के बाद ये नथुराम गोडसे का जो मैंने उल्लेख किया उसके साथ में कई दूसरे थे, गोपाल गोडसे थे, नारायण आप्टे थे, ऐसे सब लोग थे, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उस मुकदमे में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे में एक आरोपी सावरकर खुद भी थे। ये हमको जरा मद्देनजर रखना चाहिए। वो छूट इसलिए गए, एक गवाह ने उनका जो रोल था वो कहा, लेकिन उसको उसको जो कॉरोबरेट करने के लिए दूसरा गवाह चाहिए था वो घूम गया, यानी वो फिर गया, इसलिए सावरकर बच गए, नहीं तो वो 100% महात्मा गांधी की हत्या के लिए वो भी जेल जाते थे। और उन्होंने ये पूरा गोपाल गोडसे ने कहा है जो है कि सावरकर ने हमको आशीर्वाद दिए, नथुराम को आशीर्वाद जो दिए कि भाई तुम जाके अच्छा फट्टे करो, आप अच्छा काम करके आओ, ये सावरकर ने नथुराम गोडसे और इन लोग को आशीर्वाद दिया कि महात्मा गांधी की हत्या करो। ये सब चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। Thank you. We'll take 2 more questions, please. My name is Sandeep Pense. I'm from Mumbai. I have a question principally for Comrade Dhawale and also for Advocate Ambedkar. During an imperialist era, a people attempts to constitute itself through struggle into a nation, it tries to create certain populist icons. But once this struggle is over, the populist content of the icon seems to get lost, and then they are appropriated by the upper castes and upper classes. There are 2 elements in this. One of the elements is deification, in which that personality or that icon is placed beyond analysis and any kind of critical examination, which obviously aids the second factor, which is distortion of the work and the sayings of that particular symbol. How do we resist this? Because this has occurred to Shivaji, and I'm afraid this is occurring to Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is for Mr. Ashok Dhawale. Mr. Ashok Dhawale, you have mentioned the trajectories of Muslim League communalism and Hindu communalism, and later pointed out that Jinnah was once a Congress member. I think it's important to point out what Jinnah had stated against the adoption of the resolution in favor of the Khilafat movement, because he made it very clear that the Indian nationalist movement has to remain secular, and he was not allowed to continue with his speech. He was forced to leave the working committee, and he had already said that the Khilafat movement, his main point was that if we continue with this and we allow religion to enter into the nationalist movement, then it's going to set a very dangerous precedent. So I think it's very important for the entire audience here to know that Jinnah's own communal trajectory was very different from the RSS and the Hindu Mahasabha, which from the beginning was built on that kind of a political ideology. Thank you. Hello, my name is Naresh Bhakar. I am from Mumbai, and my question is for Advocate Ambedkar. We are debating that the BJP and the RSS, they are appropriating Ambedkar and all. But my question is, Rohit Vemula, he joined SFI first and then he left that organization and then he joined the Ambedkar Union because he thought the SFI, you know, the communists didn't understand the Dalit problems and the caste issue, so he left it. Even Ambedkar wasn't much sympathetic, not sympathetic, but wasn't, you know, thinking, he was thinking that, you know, the communists never understood the caste movement, they were always into the peasant movement and the class struggle and all. So isn't it the case that just like any other party, the left, the communists, they are also trying to appropriate Ambedkar? And one sentence question for Professor Chaman Lal. My question is, you said that Periyar was the person who justified, you know, who was the most, he appropriated Bhagat Singh. He was most justified.
But you see, my question is this, ki a person who after independence burned the Indian constitution, burned the tricolor, is he the right person to appropriate Bhagat Singh? Thank you. I think we can take one more question. माझा प्रश्न आंबेडकर सरांना आहे. सर, माझ्या कॉलेजमध्ये एक सर आहे, तर त्या सर म्हणजे सरांनी भाषण देताना असं सांगितलं होतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हणजे दोन शत्रु मांडले होते, ते म्हणजे एक ब्राह्मण्यशाही आणि दुसरं कम्युनिस्ट. परंतु माझ्या वाचनामध्ये असं आलंय की ब्राह्मण्यशाही आणि भांडवलशाही असं, आणि परंतु आणि दुसरे की काल मी ज्या वेळेस साम टी व्हीवरती डिस्कशनसाठी गेलो होतो, तर त्यावेळेस एबीव्हीपीचे जे काही प्रतिनिधी होते, तर त्यांनी असं बोललं की आंबेडकर आणि मार्क्स यांचं दूर दूर तक म्हणजे काहीच संबंध नाही, तर याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही थोडंसं बोलावं असं मला वाटतं. द फर्स्ट क्वेश्चन, आय थिंक सो how to protect the icons. I think so, one of the most important thing is that we should see that no godification takes place. And we have to see that the godification process is stopped itself. And they are rationally analyzed. And critically, I think so, whatever they have written, it's not that somebody doesn't believe and somebody writes against them. And he doesn't believe, I think so, that kind of a thinking process which goes on. I think so, that should be one issue which is biggest. And if I make that issue open, I think so, on Kashmir, he was very, very different. And his reason for losing election in Bombay was the Kashmir state. But and there, I think so, many of them were against him on the statement which he made. But he said, let me make it clear that today I am defeated. On this day of defeat, I am crying. But on the statement which I have made, and if it is not obeyed and followed, the rest of the nation will cry daily. And but what we are doing today, we are crying daily on Kashmir today. That's what the reality is. So I think so, these kind of statements which he has made, which some of them which are prophetic also, I think they should be analyzed, and none of them should feel that if he is going to say something against, he should not be afraid of it. That's what my feeling is, that we should be free and frank in analyzing and criticizing each icon that we believe. Because once, even if we criticize, doesn't mean that I don't believe the guy. Take a case of Savarkar. I was the first person, I was one article when his photograph was being put in Central Hall. I was the first person who wrote an article saying that before he's going to jail, he is my hero. But after going to jail, he is an anti-hero, because what he fought for, he was the same person who sided with the British to catch hold of what he was doing in his earlier days. So these are two images, and we should learn to know in which image we should accept and which image we should not. And we should put across fearlessly, I think. So that's where the whole image, that's where the, I think so, the people come into the whole thing. Second is the answer which is there, whether Dr. Ambedkar was against the Marxist. I think so, his wonderful speech which he gave at Kathmandu on Buddha and Karl Marx, I think so, that's one of the resemblance where he pointed out both the philosophies. Where one ends, where the other begins, where other begins, where the second ends. I think so, that's where, but he never considered Marx as his opponent or something, he opposed it. He never said that. He said situation dictates on how you believe, because he interpreted Buddha's a philosophy of Ahimsa on the principle will to do it and need to do it. He said if both the conditions are there, then violence is justified. If one of them is there, if you have violence, he said it doesn't justify it.
But you must have the will also, and along with that will, the need for violence should also be there. If these two things are there, then he said, Buddha himself permits violence, because then you have to put something to end for a new thing to be born. Therefore, there is not much of a difference, I would say, or he opposed it. The only kind of, you can say, because the Marxist theory does not address the Indian system of caste, the abolition of caste. And that is where the addition has to come. And this is what I think, so the RSS is basically trying to exploit the whole situation, because we have been fighting on economic side, and they have been looking at that socio-religious issue as the agenda. And the socio-religious agenda of the RSS is what basically Dr. Ambedkar focused on. And that is, I think, so one of the issues where we should look into it. This about Periyar's appropriation and Periyar burning the constitution. You see, constitution has not been burned only by Periyar. It was burned by Prakash Singh Badal also, who is presently Chief Minister of Punjab. Question is, you have to look every situation in a context. In 1909, Madanlal Dhingra, the first Indian to be hanged in Britain, he was encouraged by Savarkar to kill Karjan Wild. In fact, he provided him the pistol in London. Now, encouraging Madanlal Dhingra, that was probably a patriotic act. But encouraging Nathuram Godse, that was probably a traitorous act. So you have to see everything in a context. When Savarkar has some glory in him, Bhagat Singh, etc., adopted him. They even got his book, you know, circulated. 1850. And 1857 book is a secular book. It acknowledges, you know, Bahadur Shah Zafar and all the Muslim participants in the 1857 struggle. It was post this thing when he became anti-Muslim and, you know, communal. So Periyar, you know, enjoys great respect today. Periyar and Ambedkar study circle in IIT Chennai. That, you know, Periyar and Ambedkar also had differences. And maybe constitution, although we keep on saying all these things, it has become cliche that it's Dr. Ambedkar constitution, it's a pious constitution, it's a very sacrosanct. Nothing is sacrosanct. Even Dr. Ambedkar, I think, didn't consider it to be sacrosanct. I do not know whether it's true or not, but I have heard about this also. And even Ambedkar said that I will be the first person to burn it. Because it was not his idea of constitution. He just tried to preserve, you know, reservations for Dalits, and which he thought in the long term it will help, you know, the large community to get some space in the Indian society. Otherwise, he was not happy about it. Why did he resign from the government? He couldn't get the Hindu marriage act passed in the parliament. So I think we should avoid issue. Constitution is not a sacrosanct. It was not sacrosanct even for Dr. Ambedkar. And that's why it's getting, you know, all the time changed for the needs of the society. So Periyar keeps on enjoying. He's one of the very important icons. He was the man who in 1930s could assert atheism, and which is a crying need of this country. This religion have destroyed. Bhagat Singh has two articles, Religion and Our War of Independence, and Communal Rights and Its Solution. It was written in context of 1924 Kohat riots. There were the huge riots in Kohat near Peshawar. They were very bad riots. He said, in dharmo ne Hindustan ka deda ghar kar diya. These are Bhagat Singh words. And I think these words should be repeated time and again. That in dharmo ne Hindustan ka deda ghar kar diya. Two questions were addressed to me. One was by Sandeep Pingse, addressed to both Ambedkar ji and myself, regarding the deification of great persons. And I am fully in agreement with Ambedkar ji's answer that this kind of a deification or godification, as he said, that should be avoided for all human beings, whether leaders or anybody else. That's right, because otherwise, it prevents you from getting an objective picture of the situation and the person itself.
So therefore, and then that creates a lot of other complications, etc. So therefore, as Prakash Ambedkar ji correctly said, I also support that thing. We have to be take a objective view. It should not be turned into a god, some divine this thing, etc. We should be able to take an objective view of the, of course, lot of positive sides, some weaknesses, etc. That also, I think, we should take a balanced position. Number one. Secondly, the lady upstairs talked about Muhammad Ali Jinnah's past as compared to the RSS, which was right from the beginning communal. I exactly said that, that Muhammad Ali Jinnah's earlier thing was as a leader of the Congress. That I said right in the beginning, before that also. And therefore, basically, he was a secular leader in the earlier stages. But later on, once the Muslim League was formed, once the whole Pakistan demand started coming up, he turned very much, there is no doubt about it. And actually, it was the demand for Pakistan raised by Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League. Also, as a result of it, there was no other choice, considering all the situation in Bengal, Punjab, the elections in 1937, all these things. And therefore, that created this tremendous this thing of partition, which led to the death of lakhs of people of all religions, all communities, all castes. Visham Sanis, we know, Tamas, we have seen that, we have read about it, etc. So I think that although there is a difference, that's right, but eventually at the end of it, that's what I said, Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League, the RSS and the Hindu Mahasabha finally ended up as accomplices and agents of British imperialism and its divide and rule policy. That is the end result of it. I think we should just think about that. One last comment I would like to make in regard to the questions that were asked. You see, there has been a continuous debate. It's a good thing that it should be a debate. You know, regarding the left and Ambedkar, I would very humbly like to submit. First of all, Dr. Ambedkar, when addressing the Railway Workers' Conference in Manmad, as one Sathi said here, he had said very clearly that our two enemies, he had mentioned, Brahmanyavad and Bhandwalshahi. That is, Brahminism and capitalism are our two enemies. He was absolutely right. One is the social enemy, one is the economic enemy. And I think that is very important, that kind of thing. And what Dr. Ambedkar, the whole book exactly, Annihilation of Caste. At the same time, if you see states and minorities, Dr. Ambedkar has asked for the nationalization of the big industries, and also he has gone to the extent of demanding nationalization of land, which is not an ordinary demand. It's not an ordinary demand. Asking for nationalization of land, it's a very bold demand indeed. Now, considering all this, I think that today's Indian objective reality has two elements. One, it has economic exploitation. Two, it has social oppression. Both are similar evils, equal evils for the country. The third point I would like to say is, today, what all of us have been hearing from morning, it is basically the main enemy today is the RSS, BJP and the Hindutvavadis, which are against all kinds of forces. They are against the left, they are against Ambedkarism, and therefore today I would humbly submit is not the time for the left and Ambedkar to clash. Today is the time when the left and Ambedkar must come together to fight against the common enemy. I think that is the need of the hour. There may be some differences, we can discuss them. We can discuss them openly. We'll come to a synthesis about them. But this is not the time when the RSS is now ruling the country to try and split hairs, to try and combat each other. I think this is a very short-sighted approach. We should take a much more long-sighted approach, and all of us must come together to fight against the common enemy and to fight for the good of the country and its people. Thank you. Thank you, Mr. Gandhi. Thank you, Mr. Ambedkar. Thank you, Professor Lal. The etymology of the word appropriate is the same as the word property. And to appropriate is to make your own, to make it your own property. The property comes
in a variety of shades. There can be public property, there can be private property. There can be something that belongs to the people at large or something that is appropriated by elites, a point that was made earlier. And the events of the last year, year and a half, have drawn our attention to the potency of icons, the potency of symbols in all manner of struggles. Struggles against caste, struggles against economic oppression, struggles against the lack of women's liberation, and many others. So icons carry tremendous weight. They may be, in a manner of speaking, part of the superstructure, but sometimes the superstructure almost seems to threaten the well-being of the population as much as does the base. The potency of symbols has been brought to our attention particularly in the events surrounding the JNU affair. I'm struck by how the very idea of the nation itself has become an icon now, an icon for which we are struggling, because the whole dichotomy between anti-national and pro-national is not far removed from other kinds of contestation over symbols that our three eminent speakers have spoken this afternoon. And they have, each of them provided rich capsule histories, rich, very rich histories, full of facts, full of substantiation of the extent of the struggle that has been involved in the process of appropriation of these powerful icons. What they have also together underlined is that the RSS is not in any sense a legitimate inheritor either of Ambedkar as icon, or of Bhagat Singh as icon, or for that matter, even Shivaji as icon. This was brought home to us this afternoon. And it's in that sense that the RSS is a force of reaction. A force of reaction is a force that is on the wrong side of history. And recent events, the advent even of the BJP regime 2 years ago, indicates that there is a struggle on to take the nation backwards. By most reckonings, the 1947 victory of the people of India would be reckoned as India's first bourgeois democratic revolution. But recent events give me pause to believe or to fear that India may need a second bourgeois democratic revolution. It's very strange, but that's what would happen if we went backwards, and we are threatened into going backwards. That is why this two-day event assumes such tremendous significance. It's a matter of some regret for me, because I'm a person born and brought up in this great city. It's a matter of some regret to me that a city that was the first bourgeois city of this country, a city that played a very important role in the independence struggle, that gave rise to very eminent leaders, both pre-independence and post-independence, that has actually stood in a glorious way for the rights of man, and I should say woman, should be so quiescent in this period of turmoil in that other great city of ours, Delhi. It is surprising to me, it's, as I said, saddening in some ways, that this city has remained quiet through all this period, that there has not been more mobilization beyond the academic community, and a little bit beyond that, also to involve the rest of society, the other segments of society. But I still take comfort
from the fact that this event has been initiated, and I hope that it will initiate many more yet to come. So that the forces of reaction shall be held permanently in check. I'd like to close by taking a page from American history, which is also a country in which icons, both human and material, and symbols have great potency. And there have been very many struggles over icons and symbols. One which stands out in my mind is the contestation over an American citizen's right to burn the American flag. The American flag. In the hierarchy of icons, of course, some of the greats that we have been hearing about stand way at the top. But some material icons are also extremely important, and the flag, I think, would take the number one place in most countries. Certainly in the United States, the flag has tremendous emotional value and appeal. I suspect that is also true for India. So over the court case that ensued, a person whom I believe to have been the most conservative justice in American history, Supreme Court justice in American history, Antonin Scalia, who died a few months ago, by the way, just a few months ago, heard the two sides out and finally pronounced. And everybody was keen to know what Scalia was going to say, because he was this, if you like, conservative icon. Talk about icons. Himself was an icon. And finally he pronounced. He said, "It is stupid. It is stupid to burn the flag. But it is constitutional." Thank you very much.